वेलकम टू चंदेरी इंग्लिश क्लासेस विद सादिक सर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए टेंस का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें पिछले टेंस के पार्ट में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में और इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में हमने समझाया था और सेंटेंस बताकर भी बताया था। तो इसका पिछला पार्ट पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां जाकर के इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं आप। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, पर वीडियो में शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल चंदेरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन पर क्लिक करके रखें ताकि हमारी आने वाली इंग्लिश की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आइए तो शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था अफर्मेटिव के बारे में, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस और अदर वर्ड के बारे में। अब हम जानेंगे इसके नेगेटिव के बारे में। तो आपको एक पॉइंट बता दें दोस्तों कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब पढ़ते हैं, इधर ध्यान देना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब पढ़ते हैं तो उसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्या नहीं है? अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही क्या? हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं है जैसे ही, लेकिन अपन नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हमें मिल जाती है। क्या मिल जाती है हेल्पिंग वर्ब? डूडस। क्या मिल जाती है? डूडस, वेरी गुड। डूडस मिल जाती है और साथ में नॉट, और जैसे ही डूडस आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एस या ई एस जो है वो रिमूव हो जाता है, यानी कि हट जाता है। यानी नेगेटिव में हमें पता ये चला कि जब नेगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो क्या नहीं होता है, यहाँ से वर्ब में से एस या ई एस हट जाता है और अदर वर्ड। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें करना क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना होता है, सब्जेक्ट को बाद में लिखना होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच का मतलब होता है व्हाट, वेयर, व्हाई, हुम, हूज, इस तरीके के वर्ड डब्ल्यू एच वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। और डूडल सब्जेक्ट वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। आइए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो हम आपको समझाने कि डू किसके साथ लगता है और डस किसके साथ लगता है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अपन को करना है ही, शी, इट और नेम के साथ लगता है डज। ही शी इट नेम के साथ क्या लगता है? डज, वेरी गुड। और आई वी यू और दे, आई वी यू दे के साथ लगता है डू। क्या लगता है? आई वी यू दे के साथ डू। तो आइए अपन एक सेंटेंस बनाते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे और ये नेगेटिव बना रहे हैं तो इसमें नहीं शब्द आएगा। जैसे हम आपको बता रहे, पहला सेंटेंस है, जैसे हमने कहा वह किताब, वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है। क्या नहीं पढ़ता है? वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, वह के लिए ता है से पता चल रहा है ये क्या है? बॉय। और वह ही के लिए यहाँ पे क्या आएगा? वह के लिए ही। ही के साथ डू लगाएं या डज? स्ट्रक्चर में देखते हैं ही के साथ क्या लगेगा, डज। तो ही डज, और स्ट्रक्चर से नॉट, ही डज नॉट। अब लिखना है वर्ब, वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। तो ही डज नॉट रीड, और किताब के लिए द बुक, ही डज नॉट रीड द बुक। और जब इसका इंटरोगेटिव चेंज करेंगे तो करना कुछ नहीं है, डज को आगे लाना है और ही को अंदर करना है। ऐसे डज ही, और नॉट आता नहीं है इंटरोगेटिव में, डज ही रीड द बुक। और एक और चीज, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है इंटरोगेटिव में। क्या लगाना नहीं भूलना है? क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है इंटरोगेटिव में, क्योंकि डज ही रीड द बुक इसका मतलब होता है क्या वह किताब पढ़ता है। और जब इसका क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वाला बनाना हो, वह किताब क्यों पढ़ता है, वह किताब क्यों पढ़ता है, तो क्यों वाले में सबसे पहले डब्ल्यू एच, क्यों के लिए इंग्लिश क्या होती है? वाई। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। तो आइए क्यों की इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले वाई, डब्ल्यू एच अपना लिखा हो गया, ठीक है। अब क्या लगाना है? डू या डज? तो डज है अपना। वाई डज ही, वाई डज ही रीड द बुक, और इसके अंत में भी क्वेश्चन मार्क होता है। वाई डज ही रीड द बुक, वाई डज ही रीड द बुक। तो एक दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस है, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। मैं के लिए आई, आई के साथ क्या लगेगा? डू, आई डू, और स्ट्रक्चर से नॉट, आई डू नॉट। और जाने के लिए गो, आई डू नॉट गो टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट। अब इसी को इंटरोगेटिव बनाने तो क्या करेंगे?
डू को आगे लाएंगे, डू आई गो टू, डू आई गो टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क, ठीक। वह मार्केट क्यों जाता है, क्यों के लिए क्या करेंगे, वाई, वाई डू आई गो टू मार्केट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको भी ये टेंस पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश को सीख सकें।